खबर से शुरुआत करेंगे। एसीबी की अजमेर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर की टीम ने आरपीएससी में कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। आरपीएससी में लेखा शाखा में ये पदस्थापित सज्जन गुर्जर ट्रैप हुआ है। एएसपी हिमांशु सिंह ने ये कार्रवाई की है। अजमेर में चल रही कार्रवाई इस वक्त भी जारी है, कुछ देर में मामले का खुलासा होगा। 30 लाख रुपए मांगे गए थे, आरएस इंटरव्यू में पास कराने की एवज में रिश्वत की ये मांग की गई थी। तो बड़ी खबर, 1 लाख की रिश्वत लेते आरपीएससी में रेखा शाखा पर पदस्थापित जो कर्मचारी है वो गिरफ्तार हुआ है। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी से फोन लाइन पर है। आशुतोष, किस तरीके से इस पूरे मामले का पटाक्षेप हुआ है, कैसे ये सामने आया और आगे क्या कुछ कार्रवाइयां जारी हैं? देखिए, अब ना ये एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई है और जितनी बड़ी कार्रवाई है उससे बड़े सवाल खड़े होते हैं आरपीएससी की कार्यशैली पर, कि ऐसे वहां पे लोग मौजूद हैं जो कि इस तरीके से घूस की डिमांड करते हैं कि जो अभ्यर्थी है उसको आरएएस बना दिया जाएगा या आरएएस के एग्जाम में उसको क्वालिफाई कर दिया जाएगा, इंटरव्यू में उसको पास करा दिया जाएगा और 23 लाख रुपए की जो घूस है उसकी डिमांड की जाती है। बहरहाल 1 लाख रुपए की घूस के साथ में इसको गिरफ्तार किया गया है लेखाधिकारी को। फिलहाल जयपुर से जो टीम गई है मौके पर कार्रवाई जारी है। जानकारी में जो है अभी उसको एसीबी मुख्यालय लाया गया है। अब इस पूरे रैकेट के अंदर अगर कोई और भी लोग शामिल है कि ये रिश्वत की जो राशि थी किसके मार्फत जा रही थी या इतनी बड़ी राशि थी तो क्या ये ऊपर तक कुछ और लोगों में भी बांटी जानी थी या नहीं जानी थी, इन तमाम चीजों को लेके एसीबी जांच कर रही है। लेकिन बड़े सवाल है कि आरपीएससी जैसी जो संस्थान है वहां पे इतना बड़ा करप्शन हो रहा था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। देश भर में